हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइज़र। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में, जिसके रिसेंटली क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए और इसका हम आज कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। कंपनी का प्रोफाइल लगा दिया है मैंने पहले सामने आपके। प्रोफाइल में कंपनी एक ज्वेलरी टाइप की कंपनी है। आप सभी को पता ही होगा कि टाइटन्स एक ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है। नॉर्मली इट इज़ कम्स इन अंडर इन FMCG, बट इसको स्पेशली हम ज्वेलरी सेक्टर्स की कंपनी बोलते हैं। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 88,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस हिसाब से लार्ज कैप में आती है। और करंट मार्केट प्राइस है इसका 991। इसका की वैल्यूज़ एंड फैक्टर्स की अगर बात करें तो पी रेशो बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन 70 इसका पी है। अगर इसके हम दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करें, दूसरे FMCG कंपनियों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे HUL या फिर ITC या फिर जुबलियन फूडवर्क, तो उससे अगर हम इसका पी कंपेयर करते हैं तो इसका पी बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हिसाब से HUL का 52 है, ITC का 20-25 है, जुबलियन फूड का भी तकरीबन 40 के आसपास पी है। तो उसके हिसाब से अगर इसकी बात करें तो पी रेशो बहुत ही ज़्यादा है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से ही इसका जो कैटेगराइजेशन है वो वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरीज में हो सॉरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में होता है। बट स्टॉक की क्वालिटी की बात करें तो गुड क्वालिटी का स्टॉक है। बट आप ध्यान दीजिए कि इस शेयर करंटली एक्सपेंसिव कैटेगरीज में आता है, क्योंकि 7532-1566 के रेंज में अगर प्राइस है तो उसको बोलेंगे हम एक्सपेंसिव। और करंटली अभी है एक्सपेंसिव कैटेगरी में है, क्योंकि इसकी प्राइस है 991। कंपैरिजन विद कंपटीटर की बात करें तो अब ध्यान रखें कि ये कंपनी FMCG सेक्टर्स में आती है, बट इट इज़ स्पेशलाइज इन ज्वेलरी। तो हम इसका जो कंपैरिजन करेंगे वो कुछ ज्वेलरी सेक्टर्स के ज्वेलरी की कंपनी के साथ ही करेंगे। तो टाइटन कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है? तो PC ज्वेलर, वाइबो ग्लोबल, एशियन स्टार कॉप वगैरह, ये इसके कंपटीटर्स है। तो अगर उसके साथ कंपैरिजन करें इसका तो पी बहुत ही ज़्यादा है, फिर EV/EBITDA भी ज़्यादा ही है और PEG भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट ध्यान रखिए कि अगर आप टाइटन को PC ज्वेलर से कंपेयर करोगे तो ये इनजस्टिस होगा। टाइटन्स अपने ज्वेलरी सेक्टर्स में टॉप क्लास है। उसके बाद अगर हम किसी कंपनी को टॉप मतलब नंबर टू पे भी बोल देते तो वो टाइटन्स के साथ कंपीट भी नहीं कर सकते। तो अपने सेक्टर्स में टाइटन्स क्लास A+ कंपनी है, जिसका कोई भी कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ठीक है। बट यह एक सीरियस बात है कि इसका पी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर हम रिटर्न और 52 वीक लो और हाई की बात करें तो हर टाइम स्पैन पे कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। इवन इफ द मार्केट गोज डाउन और अप, उसका इस शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ऑल टाइम हॉरिजॉन पे कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए। बहुत ही कम कंपनीज है जिन्होंने ऐसे कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंस रिटर्न नज़र दी है। 1 वीक की बात करें, 1 मंथ की बात करें, ईयर टिल डेट की बात करें, यार पिछले साल भर में 19% रिटर्न इस शेयर ने दे चुके हैं। अगर हम दूसरे शेयर्स के साथ कंपेरिजन करते, बहुत सारे शेयर्स हैं जो पूरे साल भर से गिरे हुए हैं, जो डाउन है, बट ये इस शेयर्स ने पिछले एक साल में 19% का रिटर्न दे चुके हैं। फिर 3 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स की बात करें और 10 ईयर की बात करें तो लाजवाब रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। 52 वीक लो की बात करें, 52 वीक सॉरी 52 वीक हाई सॉरी, तो 52 वीक हाई की बात करें तो तकरीबन 1005 जो 1/5 को बनाया था, और 52 वीक लो की बात करें तो 732 है जो 9 अक्टूबर 2018 को बनाया था। फिर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 991 है, जो तकरीबन अपने 52 वीक हाई के करीब है, ठीक है। अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे टाइटन का चार्ट लगा दिया आपके सामने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटन्स फिर मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट अगर रिटर्न की बात करें हम तो बहुत अच्छे रिटर्न से यहाँ इसने तकरीबन आसपास यहाँ अपना 52 वीक लो बनाया था। उसके बाद कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ नज़र आए शेयर में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में शेयर थोड़ा और ऊपर भी जाए, ठीक है। बट आप ध्यान रखें कि शेयर थोड़ा सा ऊपर, कुछ ज़्यादा ही ऊपर भाग चुका है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। अब आप बोलोगे कि रिजल्ट भी अच्छे हैं, मतलब
रिजल्ट भी अच्छा है, फिर शेयर और नीचे क्यों गिरेगा? भाई ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे हर कंपनी की एक साइकिल होती है और जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद इसमें डाउन साइड आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ये अभी एक अपने पीक वैल्यू के आसपास ही है, 52 वीक हाई के आसपास ही है। रिजल्ट अच्छे भी हुए तो भी लोग, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस पोजीशंस पे माल उठाया होगा वो यहाँ माल बेच के निकल जाएंगे। तो इस वजह से शेयर पे प्रेशर आ सकता है और शेयर थोड़ा सा और नीचे जाए। पर ध्यान रखें कि शेयर की कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं तो उस वजह से ये फिर एक बार अपने 52 वीक लो की तरफ नहीं जाएगा, तकरीबन इस पॉइंट तक के नीचे जा सकता है, 880 या फिर 850 तक ये नीचे जा सकता है। बट अभी तो कंडीशन से, मतलब इस चार्ट से तुम्हें पता चल रहा है कि शेयर अभी ऊपर ही जाने वाला है, बट आने वाले कुछ 1 वीक या फिर 2 वीक के बाद इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। एमएससीडी की बात करें तो यहाँ एक ऑलरेडी, सॉरी मैं थोड़ा उसको 6 मंथ पे लेके जाता हूँ, यहाँ ऑलरेडी एक बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है, तो आने वाले दिनों इसमें तेज़ी दिखने को मिल सकती है, बट कुछ ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें तो ही अच्छा है। उसके बाद आरएसआई की बात करें तो 63 का आरएसआई मुझे नज़र आ रहा है। देख लीजिए आप, शेयर यहाँ से कंसिस्टेंटली ऊपर गया है, तो इसमें थोड़ी सी आने वाले, मतलब अभी शेयर्स करंटली रिजल्ट अच्छे तो मे बी 1 वीक 2 वीक के शेयर और भी भागे, अपने 52 वीक हाई को भी क्रॉस कर ले, पर थोड़ी सी इसमें आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है अगर मार्केट वीक बनता है तो। ठीक है, अगर हम इसका 5 ईयर्स का भी चार्ट लगा दें तो देख सकते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है तकरीबन यहाँ तक, मतलब 2070 तक ये स्टॉक एकदम शांत रहा था, बट उसके बाद इसने एक अच्छी शेयर अच्छी ग्रिप पकड़ी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस शेयर्स ने दिया है। ठीक है, ये इसका चार्ट एनालिसिस मैंने आपको दिखाया। फिर एनालिस्ट ने कितना एस्टिमेट किया था Q3 का प्रॉफिट, तो इकोनॉमिक्स टाइम ने 391 करोड़ एस्टिमेट किया था और ब्लूमबर्ग ने 399 करोड़ इसका प्रॉफिट एस्टिमेट किया था, मतलब ये बिफोर कमिंग्स ऑफ Q3 रिजल्ट। ये कंपनीज ने या फिर ये इस न्यूज़ एजेंसीज ने इतना प्रॉफिट एस्टिमेट किया था। अब हम देखते हैं कि रियली प्रॉफिट आया कितना, तो आप देख सकते हो कि एनालिस्ट ने जितना एस्टिमेट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं टाइटन कंपनी के। मतलब उसने अपना जो एनालिस्ट ने जितना प्रॉफिट बोला था उसको बीट कर दिया, तो एक एक्सेलेंट रिजल्ट में बोलोगा टाइटन कंपनी के। फिर हम यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर अगर बात करें तो हम September 18 को December 18 से कंपेयर करेंगे, नेट सेल्स में भी जंप नज़र आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप नज़र आ रही है और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी जंप नज़र आ रही है। तो ऑल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सलेंट मानूंगा इसको मैं। फिर अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी बात करें तो तगड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, 43% की जंप नज़र आ रही है मुझे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। तो रिजल्ट के बारे में कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन रिटर्न दिए हैं टाइटन कंपनी ने। अब अदर थिंग्स की बात करें तो हमें देख सकते हैं कि उन्होंने अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया है, ओके, और वो 1 अक्टूबर से अपना जो पदभार है उसको संभालेंगे। उन्होंने रिप्लेस कर दिया है एमडी भास्कर भट्ट को, वो रिटायर होने वाले हैं September 13 को, तो अभी बहुत टाइम है, बट एक कंपनी ने ऑलरेडी ही एक अनाउंसमेंट कर दी कि भाई सी के वेंकट रमन कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। ठीक है, फिर एक्सपोजर की बात करें तो उन्होंने अपना 145 करोड़ डेब्ट है वो जो ऑलरेडी ILFS में इनका पड़ा हुआ है, डिफॉल्ट है ILFS, ये इतनी अमाउंट टाइटन कंपनी को रिटर्न नहीं कर पाई, उसके चलते कंपनी को 70 करोड़ का प्रोविजनिंग करना पड़ा है दिसंबर एंड के क्वार्टर में। फिर सेल्स की बात करें तो ज्वेलरी सेल्स तकरीबन 4890 हो गई। फिर सेल वॉच की बात करें, मतलब ऐसे नहीं कि टाइटन कंपनी बस ज्वेलरी बेचती है, वो वॉचेस फिर आइज वेयर वगैरह ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी बेचती है, तो वॉचेस या फिर आइज वेयर का भी सेल्स में अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक स्मॉल स्मॉल इसके जो सब सेगमेंट है वहाँ भी कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ की है। फिर हम ईयर ऑन ईयर के भी रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आपको इसमें कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनवानी है जैसे 5 या 10 साल की, तो आपको ईयर ऑन ईयर पे भी रिजल्ट देखने ज़रूरी है। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस की बात करें तो यहाँ भी एक रिजल्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं।
फिर हम इस पिछले 4 साल का अगर डेटा देखें तो नेट प्रॉफिट में भी डिसेंट ग्रोथ नज़र आ रही, थोड़ी बहुत यहाँ डाउन हो चुकी थी बट फिर भी एक अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में ये शेयर्स में भी हमें और भागता हुआ नज़र आया। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आजकल हर एक कंपनी के बारे में ये सीरियस प्रॉब्लम है कि FIIs अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। टाइटन्स के रिजल्ट अच्छे हैं फिर भी FIIs ने अपना 1% अपनी होल्डिंग कम कर दी। प्रमोटर्स के पास 52% माल है इसका। फिर म्यूचुअल फंड की बात करें तो तकरीबन 1% म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाई है, बट ध्यान दीजिए कि FIIs तकरीबन 19% है और म्यूचुअल फंड 6% है, तो यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि FIIs ने अभी अपनी होल्डिंग कम कर दी। ये किस लिए हुआ कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, शेयर करंटली अच्छे प्राइस पे है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और अगर ये ऐसी सब कंडीशंस सामने हैं जैसे कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट और भी हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है, तो बहुत सारे लोग जो स्पेशली FIIs रहते हैं वो सोचते हैं कि भाई अभी इसका पी भी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, अच्छे प्राइस पे है, तकरीबन 52 वीक हाई के आसपास है, तो वो लोग यहाँ से माल बेच के निकलना ही निकलने में समझदारी समझते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, इनके पास भी तकरीबन 2% माल है, अदर DIIs वगैरह और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी अच्छा खासा माल है। मेजोरिटी प्रमोटर होल्डिंग नन है, प्लेज प्रमोटर कोई बात ही नहीं, कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की कोई कोई सवाल ही नहीं उठता। म्यूचुअल फंड के 41 स्कीम ने यहाँ पे पैसे लगा के रखा है। FIIs की बात करें तो 601 मतलब 600 तकरीबन 600 FIIs यहाँ पे इन्वेस्टेड है। फिर प्रमोटर विथ हाइस्ट होल्डिंग की बात करें तो ये एक कंपनीज है जो एक्चुअली प्रमोटर्स की है जिनके पास इसके सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। अब यह एक बात जानने वाली कि हाइस्ट पब्लिक शेयर होल्डर कौन है, तो राकेश झुंझुनवाला के पास तकरीबन 6% माल है टाइटन कंपनी का, ठीक। फिर फैक्ट शुड नो, इसमें कोई कोई करंट न्यूज़ या फिर करंट ये तो नहीं चल रहा है, कुछ अफेयर्स वगैरह तो नहीं चल रहे। फिर डे वाइज डिलीवरी की बात करें तो ठीक ठाक मुझे ऑन एन एवरेज 35 की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी नज़र आ रही है। शेयर्स अपने अच्छे प्राइस पे है, बहुत सारे लोग इसमें एग्जिट करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि Q3 के रिजल्ट अच्छे आ गए तो हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए शेयर्स अपने 52 वीक के करीब है तो बहुत सारे लोग यहाँ से एग्जिट होना पसंद करते हैं, ठीक है। तो तकरीबन ऑन एन एवरेज परसेंटेज ऑफ डिलीवरी मुझे 35 या फिर 40 के आसपास नज़र आ रही है, अगर इसका एवरेज करें तो 40 तक आ सकता है, ठीक है। फिर ब्रोकरेज हाउस का रिकमेंडेशन बोले तो अभी ये तो तकरीबन ये कुछ 1 मंथ के 1 मंथ पहले ये कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, IGSA डायरेक्ट ने भी और या फिर मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें अच्छा खासा रिकमेंडेशन दिया था। देख सकते हो कि आप ये अपने टारगेट के तकरीबन आसपास ही है, जैसे अभी 991 चल रहा है और 1065, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये टारगेट अच्छे हो गया यहाँ से एग्जिट करना पसंद करते हैं। फिर यहाँ मोतीलाल ओसवाल की भी बात करें तो उन्होंने कुछ टारगेट कुछ ज़्यादा ही दे दिया था। आजकल बात करें तो मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़े बड़े टारगेट देते हैं और एक्चुअली इनफैक्ट वो टारगेट अचीव होना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत बार होते भी नहीं है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़े और बहुत हाई टारगेट रखते हैं बट एक्चुअली उतने टारगेट अचीव नहीं होते। मे बी दे आर कैचिंग द ऑडियंस कि भाई इसमें पैसा है, इसमें पैसा बन सकता है, पैसा लगा दो, बट एक्चुअली उतना होता नहीं है मार्केट में। ये बार बार टाइम जैसे जैसे टाइम जाता है वो अपना टारगेट वगैरह कट अप डाउन करते रहते हैं, ठीक है। बट मैंने बहुत बार देखा कि मोतीलाल ओसवाल अपना टारगेट कुछ ज़्यादा ही देते हैं हर बार। अगर हम किसी दूसरे ब्रोकरेज हाउस से कंपैरिजन करें तो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट हमेशा ज़्यादा रहता है और वो अचीवेबल नहीं रहता, ठीक है। अब माय रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो मैं बाय के लिए बोलूँगा यस, आप इसमें इसको बाय करिए, बट आने वाले दिन में थोड़ी सी कमज़ोरी हो सकती है, बट आप इसको अगर कुछ 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा के लिए इसको अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा यस, आप इसको अभी भी बाय कर सकते हो, बट ध्यान रखिए स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ही माल उठाना है, ठीक है। बट अगर आप इसको में कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, अब अगर आप इसे सोच रहे हो कि रिजल्ट अच्छा है तो शेयर 1100 या फिर 1150 तक जाएगा आने वाले मंथ या फिर 2 मंथ में, तो मे भी ऐसा होगा, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं पहले बोल चुका कि बहुत सारे लोग इसमें माल बेच के निकल जाएंगे। फिर होल्ड की बात करें तो बोलोगे नहीं, आपके पास अगर अभी इसमें माल पड़ा है तो इसको होल्ड मत कीजिए, आप इसको सेल कर दीजिए और आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत से लो पोजीशंस पे मतलब 750 800 से माल उठाया होगा, तो
तो आप बेहतरीन है कि मंडे को जब मार्केट हो ओपन होगा और मे बी अच्छा ओपन होता है, 4% 5% तक अप जाता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और यहाँ से एग्जिट हो जाइए। बट अगर आपका पर्सपेक्टिव बहुत लॉन्ग टर्म है, 5 साल तक आप रुक सकते हो, 10 साल तक आप रुक सकते हो, तो आप इस पे रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेयर अच्छे क्वालिटी का है, पी ज़्यादा भी हुआ तो कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रही है और शेयर्स आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। बट अब एक साल की बात करें तो ये साल बहुत वोलाटाइल रहने वाला है, मार्केट की डायरेक्शंस कैसी होगी वगैरह, इस पर कुछ हम अभी कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसमें आप एग्जिट करें तो ही बेहतरीन रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।